आर्थिक उत्पादकता और विभिन्न राष्ट्रों के मध्य किसी राष्ट्र की खरीद क्षमता जीडीपी या उसके करेंसी की तुलना करने के लिए एक लोकप्रिय माइक्रो इकोनॉमिक विश्लेषण की आवश्यकता होती है, जिससे हम वास्तविक आर्थिक गतिविधियों को अंजाम दे सकें। एक विकसित राष्ट्र में एक व्यक्ति को प्राप्त होने वाले मेहनताने की तुलना एक अविकसित राष्ट्र में उसी व्यक्ति के मेहनताने से करने की भी आवश्यकता होती है। इन सभी गतिविधियों को जानने के लिए क्रय शक्ति समानता यानी परचेजिंग पावर पैरिटी का उपयोग किया जाता है। आज के आर्थिक हलचल प्रोग्राम में हम जानेंगे कि परचेज पावर पैरिटी क्या है, साथ ही डॉलर के मुकाबले तुलना करने पर भारतीय रुपए की स्थिति को भी जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले जान लेते हैं क्रय शक्ति समता क्या है। किसी उत्पाद या सेवा की कीमत को प्रभावित करने वाले कारक जैसे कि यातायात खर्च, कर इत्यादि को शामिल ना किया जाए तो उस उत्पाद या सेवा की कीमत अलग अलग देशों में एक समान होनी चाहिए, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता है क्योंकि प्रत्येक देश के नागरिकों की खरीद और उपभोग क्षमता अलग अलग हो सकती है। इस प्रकार हम ट्रिपल पी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी से पता कर सकते हैं कि किसी उत्पाद या सेवा को दो अलग अलग देशों में खरीदने पर कीमत में कितना अंतर होगा। इससे ट्रिपल पी एक्सचेंज रेट निकाला जाता है। आइए जानते हैं संकल्पना कैसे काम करती है। पहले हम यह मान लेते हैं कि किसी उत्पाद की कीमत दुनिया के सभी बाजारों में एक ही होगी। भारत में उस उत्पाद की कीमत की तुलना अमेरिका में उसी उत्पाद की कीमत से तुलना करने पर ट्रिपल पी के आधार पर डॉलर का एक्सचेंज रेट निकलता है। इस तरह निकाले गए ट्रिपल पी एक्सचेंज रेट की तुलना मार्केट रेट से की जा सकती है। इससे रुपये के अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड होने का भी पता लगाया जा सकता है। आइए जानते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी की प्रासंगिकता क्या है। परचेजिंग पावर पैरिटी का कॉन्सेप्ट अलग अलग देशों में लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तुलना करने के काम आता है, जो कि प्रति व्यक्ति आय से नहीं की जा सकती है। परचेजिंग पावर पैरिटी से मतलब दो देशों में किसी वस्तु या सेवा की कीमत है, मतलब किन्हीं दो देशों में किसी वस्तु या सेवा की कीमत का अंतर क्या है, इस बात का पता परचेजिंग पावर पैरिटी से लगाया जाता है। ये करेंसी एक्सचेंज रेट तय करने में भी भूमिका निभाती है। इससे किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के आकार का पता चलता है। मान लेते हैं कि एक डॉलर में कोई भी वस्तु या सेवा सभी जगह समान कीमत और मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन सभी देशों में यह अलग अलग होता है। इसलिए मात्रा और कीमत में जो अंतर होता है उसके आधार पर संबंधित देश की करेंसी की वैल्यू तय की जाती है। कुछ देश कृत्रिम रूप से अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर देते हैं, जिसके कारण ट्रिपल पी पर आधारित एक्सचेंज और वास्तविक रेट में अंतर आ जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि उत्पाद कीमत अमेरिका में $5 है, तो भारत में उस उत्पाद की कीमत 350 रुपये होगी। परंतु व्यवहार में हम देखते हैं कि जिस उत्पाद की कीमत अमेरिका में $5 है वह भारत में 100 रुपये में उपलब्ध होती है। इस तुलना से जो वास्तविक मूल्य निकल कर आता है उसे हम ट्रिपल पी कहते हैं। ये कॉस्ट ऑफ लिविंग को प्रदर्शित करता है। परचेजिंग पावर पैरिटी पर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट जारी करती है। 2017 में ट्रिपल पी के आधार पर $1 की कीमत 17.73 रुपये थी। ट्रिपल पी एक्सचेंज रेट की तरह कम समय में बदलाव को प्रदर्शित नहीं करता है। इससे हम किसी राष्ट्र के जीडीपी का आंकलन भी कर सकते हैं। विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार भारत की नॉमिनल जीडीपी के आधार पर रैंकिंग में 7वां स्थान है, जबकि ट्रिपल पी मॉडल के आधार पर विश्व में 3री रैंक है। आइए समझते हैं रिलेटिव परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है। ये एक आर्थिक सिद्धांत है जो एक निश्चित अवधि में दो देशों की मुद्रास्फीति दर और एक ही समय में दो अलग अलग मुद्राओं के बीच विनिमय दर के संबंधों का अध्ययन करता है। ये संपूर्ण क्रय शक्ति समानता सिद्धांत का एक प्रगतिशील सिद्धांत प्रस्तुत करता है। अब जानते हैं एब्सोल्यूट परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है। इस सिद्धांत के अंतर्गत दो मुद्राओं के बीच विनिमय दर में संबंध संतुलन उनकी क्रय शक्तियों के बराबर के स्तर पर काम करेगी। ये सिद्धांत उन वस्तुओं के लिए उपयोगी है जो दो देशों के बीच आसान से परिवहनीय है, जैसे कि सोना। लेकिन अगर वस्तुओं और सेवाओं के साथ अनुपयोगी हो सकता है तो आसानी से परिवहन योग्य नहीं है, क्योंकि परिवहन लागत समानता के सिद्धांत को विकृत कर देता है। हमें उम्मीद है हमारा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।